पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने जयराम सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर धर्मशाला में हो रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक वर्ष की रैली में जनता के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। जिन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद किए हैं, वे लोग होटल में रुके हुए हैं, उनकी रोज रिहर्सल हो रही है। बताया जा रहा है कि किसने कब कौन सा प्रश्न माइक पर पूछना है और क्या जवाब देना है। उन्होंने कहा कि पूरी स्क्रिप्ट पहले से तैयार है। जिस तरह पूरे देश में पिछले 5 साल में पिक्चर चल रही थी, रोज नई नई योजनाओं की घोषणा हो रही थी, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ है, वैसा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली में भी होने जा रहा है। पूर्व मंत्री व जम्मू कश्मीर के कांग्रेस प्रभारी सुधीर शर्मा ने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कहा कि वर्तमान सरकार पिछली सरकार द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यों को रोक रही है। सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन जनहित के कार्यों को भड़ास निकालने के लिए रोकना सही बात नहीं है। धर्मशाला में भी सरकार ने पिछली सरकार द्वारा शुरू करवाए गए विकास कार्यों को रोकने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि मंत्री सीएम की नहीं सुन रहे हैं और अधिकारी सरकार की नहीं सुन रहे हैं। प्रदेश में सरकार है या नहीं, ये संशय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि नई बनी सरकार को 2-3 महीने का वक्त दिया जाता है ताकि वे सीख सके, लेकिन जो पिछले कई वर्षों से जीत रहे हैं उनको सिखाने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई है और आने वाले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस 4 सीटों पर जीत हासिल करेगी, जो कि प्रजातंत्र में किसी भी राजनीतिक दल ने आज तक नहीं किया। और मोदी जी से जो 1-to-1 प्रश्न होने हैं वो पूछने वाले पिछले से इधर होटलों में रुके हुए हैं, उनकी रोज रिहर्सल हो रही, उनसे पहले ही उनको कहा जा रहा है कि ये प्रश्न आएगा तो तुम किस तरह से माइक पकड़ोगे, किस तरह से बोलोगे, कितना बोलोगे। तो ये पूरी स्क्रिप्ट लिख करके जैसे तैयार की जाती है, मान लीजिए जैसे पिक्चर चल रही हो, ये ठीक उसी तरह है जैसे पूरे देश में पिछले अब 5 साल होने को आ रहे हैं। पिछले 5 साल देखिए, कांग्रेस ने चार्जशीट तैयार की है। 27 तारीख को कांग्रेस पार्टी महामहिम राज्यपाल को अपनी चार्जशीट सौंपेगी और जो रैली धर्मशाला के अंदर आयोजित की जा रही है वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का एक वर्ष का कार्यकाल पूरे होने पर, वो कोई जनता की रैली नहीं है, वो अधिकारियों, कर्मचारियों, स्कूली बच्चों, कॉलेज के बच्चों, उनको इकट्ठा करके एक इस तरह का प्रभाव छोड़ने की बात की जा रही है जैसे कि बहुत बड़ा जनसैलाब उमड़ा हो। आज कर्मचारियों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर लगातार ये दबाव बनाया गया है कि आप गांव गांव जाकर के जो लाभार्थी रहे हैं प्रदेश सरकार की के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत, और कुछ तो ऐसे भी लोग हैं, अभी हमारे जो बड़े भाई जगजीवनपाल जी, उन्होंने बताया कि जो स्वर्ग सिधार गए 4-4 साल पहले, उनको भी ढूंढते हुए कर्मचारी जो है वो घरों में जा रहे हैं कि ये लाभार्थी कहाँ हैं। तो इस प्रकार की हास्यास्पद स्थिति और सरकारी पैसे का दुरुपयोग, करोड़ों रूपया इस रैली के ऊपर कर्ज में डूबी हुई सरकार जो है वो खर्च कर रही है, ये सारा जनता का पैसा है। और खुद तो वर्तमान सरकार की एक वर्ष में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है सिवाय इसके कि बार बार उस सरकार ने एक कदम चलने के लिए भी, यहां तक कि मंत्रियों की गाड़ियां खरीदने के लिए भी जिस सरकार ने ऋण लिया हो, और मैं समझता हूं कि उस ऋण का सबसे बड़ा हिस्सा अगर कहीं खर्च कर रहे हैं तो इस रैली के ऊपर खर्च कर रहे हैं। देखिए, एक मेरा इस सरकार के ऊपर आरोप ये है कि हाल ही में जो एकदम से सीमेंट के दाम 60 रूपये बढ़ा दिए गए रातों रात, तो क्या सरकार की मजबूरी रही है कि जो सीमेंट इसी प्रदेश में बनता है, इसी प्रदेश में सबसे महंगा है और 7 लगते प्रदेशों में वो सस्ता है, और वो सीमेंट कंपनियां कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री को मिलती हैं, रात को उसमें कुछ पैसा देती हैं और निर्णय हो जाता है कि 60 रूपये दाम बढ़ जाएंगे। तो ये अपने आप एक संदेह के घेरे में इनको छोड़ता है। और एक और कंपनी महावीर एंटरप्राइजेज कंपनी जो कि सारी दवाइयां सप्लाई कर रही है हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, और हेल्थ डिपार्टमेंट के सीएमओ और सभी अधिकारियों पर यह दबाव है कि उन्हीं से दवाइयां खरीदी जाएं, तो उस कंपनी के कौन लोग डायरेक्टर हैं, किसकी कंपनी है, इस सरकार के आते ही वो कंपनी बनी है, तो उस कंपनी की क्या मान्यता है और क्यों उस पर इतनी मेहरबानी वर्तमान सरकार कर रही है कि करोड़ों रूपये के जो है ऑर्डर उनको दिए जा रहे हैं, जबकि सरकारी एजेंसियां हैं
आप सिविल सप्लाई के थ्रू लीजिए या जो पहले के एम्पैनल लोग हैं उनसे लीजिए जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी जो है इसमें है। और सबसे महंगी सप्लाई ये कंपनी कर रही है ऐसा मुझे जो कुछ अधिकारी हैं सीएमओ हैं उन लोगों ने बताया है। सुधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तथ्यों सहित भाजपा सरकार के खिलाफ चार्जशीट तैयार की है जिसे 27 दिसंबर को राज्यपाल को सौंपा जाएगा। शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार ने रातों रात सीमेंट के दामों में 60 रुपए की बढ़ोतरी की है। उन्होंने पूछा कि सरकार की क्या मजबूरी थी कि इतने दाम रातों रात बढ़ाए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की रैली के लिए सीमेंट कंपनियों के साथ डील हुई है और रैली पर करोड़ों रुपए जनता के फूके जा रहे हैं। पूर्व मंत्री ने सरकार द्वारा महावीर मेडिकल को करोड़ का फायदा देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद अस्तित्व में आई इस कंपनी को टेंडर देने के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। शर्मा ने कहा कि रैली में भीड़ जुटाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। सरकार के हालात ये हो गए हैं कि किसी की कोई नहीं सुनता, माननीय मुख्यमंत्री की मंत्री नहीं सुनते, अधिकारी नहीं सुनते, आगे मंत्रियों की जो है वो उनके अधिकारी अगर कर्मचारी नहीं सुनते तो पन्ना प्रमुख जो बेचारा दिन रात लगा रहा आज उसी पे विश्वास नहीं रहा। एक साल में वो इतना हताश हो गया है कि लोगों को रैली स्थल तक लाने में वो नाकामयाब रह रहा है। इसीलिए जो पंचायत सेक्रेटरी हैं, सहायक हैं, पटवारी हैं, मेल हेल्थ वर्कर है, फीमेल हेल्थ वर्कर है, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ियों में छुट्टियां कर दी गई हैं, तो इन लोगों को पन्ना प्रमुख की तरह वर्तमान सरकार जो है वो ट्रीट कर रही है। और इनके द्वारा ये कार्य लिया जा रहा है कि आप बस में बैठ के आएंगे, सुनिश्चित करेंगे कितने व्यक्ति लाने हैं, नहीं लाएंगे तो आपके ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी। सर, सरकार ने विधायकों, पूर्व विधायकों को भी न्योता भेजा रैली लिए कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं देश के तो आप भी शामिल हो, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मुझे तो कोई न्योता पहुंचा नहीं, मैं भी नहीं। हमारे विपक्ष के नेता हैं, उनसे मेरी कल बात हुई तो उन्होंने कहा एक चिट्ठी मैंने सोशल मीडिया में देखी है, मुझे मिली नहीं है। तो ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी की रैली कर रहे हो, उम्मीद कर रहे हो कांग्रेस के लोग वहां आएंगे, तो क्या इतने बुरे दिन आ गए कि कांग्रेसियों को उस रैली स्थल को भरना पड़ेगा? धर्मशाला से एच टुडे के लिए निरभजीत निप्पी की रिपोर्ट।